नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। भागदौड़ भरी जिंदगी से उबकर लोग अक्सर ऐसी प्राकृतिक जगह पर जाना पसंद करते हैं जहां मन तरोताजा हो जाए। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के 3 गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में नॉमिनेट किया है। यूएन की लिस्ट में मेघालय का कोंगथोंग गांव, मध्य प्रदेश के लादपुर खास और तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव का नाम शामिल है। बता दें कि टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिहाज से ये गांव यहां आने वाले पर्यटकों को काफी पसंद आएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर एक ट्वीट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश के लादपुरा खास गांव की बेस्ट टूरिज्म विलेज में एंट्री हमारे लिए गर्व की बात है। इस उपलब्धि के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म और प्रशासन की पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इसी तरह बेहतर काम करते रहें। मध्य प्रदेश के लादपुरा खास गांव टिकमगढ़ जिले के ओरछा तहसील में आता है, तो वहीं बेस्ट टूरिज्म विलेज में कोंगथोंग गांव के सिलेक्ट होने पर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है। संगमा ने ट्वीट कर लिखा है, मेघालय के वीसलिंग गांव कोंगथोंग को भारत के 2 अन्य गांवों के साथ UNWTO के बेस्ट टूरिज्म विलेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। मेघालय का कोंगथोंग गांव शिलोंग से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। ये गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और विशिष्ट संस्कृति के लिए मशहूर है। ये गांव विस्लिंग विलेज के नाम से भी फेमस है। ये उन 12 गांवों में से एक है जहां बच्चे के जन्म से ही उसके साथ एक विशेष प्रकार की ध्वनि जोड़ दी जाती है जो जिंदगी भर उसके साथ रहती है। वहीं तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और ये गांव अपने रेशम के कारण फैशन जगत में खासा लोकप्रिय है। इसे भारत की सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहां देश की सबसे उच्च गुणवत्ता वाली रेशम की साड़ियों का निर्माण किया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।